मेरी महबूब कयामत होगी। अभी नहीं, यहाँ पर फिल्म हो रही है, अभी फिल्म हो रही है। ये तो क्या फिल्म हुई थी, आप क्या बोल रहे हो? कुछ ऐसा हां जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, लगभग एक महीना पहले हमने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था, जिसमें हमने रिएक्शन दिया था हमारे पहले टीवी इंटरव्यू पे, जो लगभग 4-5 साल पुराना था। तो उस पर आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, अभी लगभग 2 लाख व्यूज होने को इस वीडियो पे। तो हमने सोचा क्यों ना आज और एक रिएक्शन वीडियो बनाया जाए। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हमारे 5 साल पहले व्लॉग पे। वो व्लॉग नहीं है एक्चुअली, हाँ वो एक शो बनाया था हमने। कॉफी का करण होता है ना, कॉफी का करण नहीं, कॉफी विद करण। तो हमने भी एक ऐसा ही शो बनाया था भाई ने। होस्ट नाम रखा था मैंने, माजा विद मुर्तजा। माजा पता है क्या है? वो जूस का डब्बा होता है ना माजा, वही माजा जूस का ब्रांड होता है ना माजा। तो राइम जैसा हो रहा था ना, तो मैं रख दिया माजा विद मुर्तजा। तो उस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। इसमें मुइन भी, मुइन को बुलाना था यार। मुइन वो आ रहा है ना ट्यूशन से, मतलब लिटरली मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि इस वीडियो में एक्चुअली हमने किया क्या था। मतलब थोड़ा बहुत मुझे है क्या ऐसे वो झगड़ा हुआ था मुइन और मेरा, शायद कुछ हुआ था इसमें, वो मुझे नहीं पता। वो क्वेश्चन आंसर्स कुछ हुए थे, मुझे पूरा एग्जैक्टली नहीं पता। रैपिड फायर वगैरह वगैरह, हाँ रैपिड फायर भी हुआ था, बहुत सारे एक्टिविटीज की थी। लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इस वीडियो में क्यों क्या है, क्योंकि तब से हमने कभी नहीं देखा हुए। ये प्राइवेट वीडियोस मैंने रखी हुई है यूट्यूब पे, तो तब से कभी नहीं देखी हुई मैंने। तो आज देखते हैं सारे मिलके और देखते हैं क्या हरकतें किया हमने। लेकिन थोड़ा बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि मुझे पता इसमें कुछ क्रिंज हरकत होने वाली है। तो शायद भाई तैयार है आप? बिल्कुल, शुरू किया जाए। चलिए मुइन यार पता नहीं कब आएगा, तो हम तो फिलहाल देख लेते हैं। तो जब फिर मुइन आएगा उसको फिर अलग दिखा लेंगे, क्योंकि अभी रहा नहीं जा रहा, अभी जल्दी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 गो। ओके, पहली तो इंट्रो देख लो पहले ही। वेलकम टू माजा विद मुर्तजा EP 1। मतलब फिर दूसरा एपिसोड आया नहीं भाई, दूसरा एपिसोड फिर कभी आया नहीं इसका। क्या लगा है तेरे को? क्या ये, चल छोड़। ओके, तो दूसरा एपिसोड कभी आया नहीं। तो चलो जी, हेलो दिस इज मोइन, यू आर वाचिंग अस ऑन मुर्तजा द एमिन। अरे ले ले क्या गाइस, ये देखो रिकॉर्ड ऑन iPhone 10s Max। मतलब फ्लेक्स करने की हद देखो, मैंने एडिटिंग में लिख दिया है कि भाई साहब ज्यादा हल्के में नहीं लेने का, आईफोन से रिकॉर्ड किया गया है। उसी से हुआ है? हाँ, आईफोन से शूट किया है, 10s Max से शूट हुआ है। लेकिन मतलब हमने लिखा हुआ है इधर कि तब ना आईफोन एक मतलब वो बड़ी चीज हुई थी, ज्यादा नहीं होता था लोगों के पास, कम आईफोन। आज तो सबके पास होता है आईफोन, लेकिन तब बड़ी खास चीज मानी जाती थी आईफोन फ्लेक्स वगैरह। तो मैंने वीडियो में डाल दिया है कि भाई साहब शॉट ऑन iPhone 10s Max। You are watching Maza with Murtaza. अबे यार। हेलो दिस इज मुर्तजा एंड यू आर वाचिंग अस ऑन मुर्तजा द एमिनर। तो आज का शो माजा विद मुर्तजा लो बजट कॉफी विद करण। हमारे साथ जुड़े हैं शाहिदुल इस्लाम और मोइन मुदस्सिर, जो ये खेलेंगे आज। और हमने हैम्पर भी रखा है जिसका नाम है जंक बास्केट। हैम्पर एकदम बाकायदा हैम्पर रखा गया है जी, प्रॉपर गिफ्ट। और हैम्पर क्या था? जंक बास्केट। 50 रुपए का टोटल था, 100-150 का था मैंने, 100-150 का होता। हाँ, 10 रुपए का कुरकुरे, 10 रुपए का पंजाबी तड़का, आलू भुजिया, वही मिक्स करके वही गिफ्ट था। ये हमने बैकयार्ड में शूट किया था। हाँ, पीछे से शूट किया था। कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते इस गेम में आगे। चलिए शुरू करते हैं। जो आप डब्बे दिख रहे हो, जो उसके डब्बे माजा की दो, ये डब्बे ये खाली थे। ऐसा नहीं था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते 10 रुपए का डब्बा, लेकिन तब रमजान चल रहा था तो हमने खाली रख दिया, हमने रोजा रखा हुआ था तो बस खाली थे। और ये एक्टिंग कर रहे थे जूस पीने की। अभी आगे देखोगे आप तो ये खाली है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओके, डू आई लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स? क्या मुझे बाहर वाली गेम्स खेलना पसंद है कि नहीं? या सर दोनों में जल्दी जवाब दीजिए। डू आई लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स? जो जवाब देगा पहले बताएगा। नहीं, ज्यादा क्या वाला दिखाइए। आज ज्यादा पसंद है लेकिन तब नहीं था। आप क्या वाला दिखाइए? पी बैठता था शायद। आपका जवाब क्या है? यस। मुइन आपका जवाब क्या है? नो। तो सही जवाब नो है। मैं झूठ नहीं यार, सही में मतलब ज्यादा तब ज्यादा घर पे होता था मैं। वो कंप्यूटर IGI खेलते थे हम, YST बाहर ज्यादा से ज्यादा। मैं अभी आजकल मैं क्रिकेट खेलता हूं। अरे फॉलो शाही शाहिद, फॉलो शाही शाहिद, शाही शाहिद की आईडी थी तब, शाही शाहिद। ले क्या बात है। करता हूं खेलना।
तो शायद आपका एक पॉइंट है, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, हु इज माय फेवरेट एक्टर? सलमान खान। हाँ। एक्टर पहले से सलमान खान था यार, म्यूजिक बड़ा लाउड रखा है। सल्लू भाई, शाहिद भाई, आप अपना जवाब बताइए। सलमान खान। आप बताइए। सलमान खान। बहुत ही सही जवाब, दोनों का, दोनों ने बहुत ही सही जवाब दिया है। क्या बात है भाई, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग पेपर रखा है मैंने। पेपर बहुत है भाई, एक एक क्वेश्चन एक एक पेपर पे देना है भाई, क्या बात है। तो कैसा लग रहा है अभी तुम्हें, मतलब खेल के कैसा लग रहा है आप बताइए। अच्छा लग रहा है, मतलब तो कैसा लग रहा है शाहिद भाई, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बताइए कैमरा में आप, थोड़ा बहुत शायद कुछ नहीं बोलेगा, मुझे कुछ बताना पड़ेगा जी। शर्मा गया लौंडा। चलिए मोइन भाई कुछ बताते हैं, इसको बात करती नहीं आती थी बेचारे को। अब मोइन भाई जी, मैं यही कहूंगा कि हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमें इस वीडियो को मजाक मत समझिएगा। इस वीडियो को मजाक मत समझिएगा, इस वीडियो को मजाक ना समझे। चलो, और इस हम पर जो है हमारा, ये दोनों में से किसी को जीतना है तो बजट मेरी है, तो मुझे YouTube से थोड़ा पैसे दिलवा, 100 रुपए का बजट रिकवर करना है गाइस। सवाल की पे जो कि है, व्हाट डू आई प्रेफर, iPhone 11 Pro या iPhone XS Max Premium? कौन सा फोन है भाई, XS Max Premium? ये है ये बात, गुरुजी का वो गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा, शायद हाँ, पता नहीं यार। जल्दी लिखिए, मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए, कैमरा में दिखाने की कोई जरूरत नहीं। शायद भाई आप अपना जवाब बताइए। iPhone XS Premium। आप बताइए। iPhone XS Premium। बहुत ही सवाल सही जवाब, दोनों का सही सही जवाब, बिल्कुल। साइड में रखिए, आप कॉफी पीजिए, माजा विद मुर्तजा। एक्टिंग में अच्छी कर रहा हूँ यार, पीने की। Do I like cold drinks? क्या मुझे cold drinks पीना पसंद है, जैसे कि Mountain Dew वगैरह? पी लेता हूँ कभी कभी, पसंद नहीं है मुझे। क्या मुझे पसंद है पीना कि नहीं, जैसे लोग पीते हैं वो? Yes और इसने लिखा है No। जिसका जवाब No है तो मुई ने पॉइंट हार गए हैं, मुझे नहीं पसंद पीना कोल्ड ड्रिंक्स। क्या बात है। सवाल हमारे दो दर्शकों के बीच और सवाल जो कि है, What if I get a chance to travel today? Where would I go? अगर मुझे आज कहीं जाने का मौका मिले तो मैं किस जगह जाना पसंद करूंगा, फॉरेन, फॉरेन की बात करें तो? दुबई, दुबई, बचपन से दुबई का शौक था। दुबई। शाहिद भाई ने दुबई बोल दिया है। आपका जवाब क्या है? दुबई। आपका? अमेरिका। मुइन का जवाब थोड़ा रिलेट कर रहा है, लेकिन मैं कनाडा जाना पसंद करूंगा। कनाडा क्यों भाई, क्यों भाई मेरे कनाडा क्यों बोला है भाई? असल में तो उस दिन शाम जिसके व्लॉग्स देख रहा था वो कनाडा में रहता था, तो तुझे बड़ा शौक चढ़ा है। अच्छा, शाम इतनी सही बात है शायद। वो एक व्लॉगर को देखता था मैं, पाकिस्तानी, वो कनाडा में था। हाँ, पाकिस्तानी कैनेडियन शाम इतनी, शायद उसीलिए बोल दिया है मैंने। लेकिन दुबई हर तरफ। दोनों के जवाब गलत है, गलत है। सॉरी टू से यो, ये हैम्पर देखते हैं हम कौन जीत पाता है आज के इस शो में। हैम्पर बार बार फ्लेक्स कर रहा हूँ मैं, 150 का बजट था भाई। ब्रेक के वाला फिर से हासिल हुए। ब्रेक कब हुई, ब्रेक क्यों हुई? उसको मिलेगा जंक बास्केट, तो अभी हम फिर से शुरू करते हैं रैपिड फायर के साथ। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये मेरे बारे में रैपिड फायर है, एक सेकंड में जवाब देना है, मतलब एक से भी कम, फास्ट फ्यूरियस। तो शुरू करते हैं। आई वॉच अ मैकबुक, आई वॉच अ मैकबुक। और सावधान रहे, तो मैंने पता नहीं क्यों सीरियस होकर एकदम बोला है, तो पहले खांसी ठीक कर ले अपनी। पनीर चिकन, हाँ चिकन, क्या क्रिंज हरकतें करते थे यार।
यूट्यूबर जॉब यूट्यूबर जॉब ओ भाई इतना तेज हो बेटा सांस गुल गई मुझे भाई की सांस गुल गई कुछ पहले बताओ ये वो बात नहीं अभी नहीं यहाँ पर फिल्म हो रही है अभी भी फिल्म हो रही है पहले बता ये क्या फिल्म हुई थी आप क्या बोल रहे हो कुछ रिजल्ट दिखाओ अभी पता नहीं शायद बाहर बोल रहे अभी रिजल्ट दिखा मुझे हम किसने जीता क्योंकि मुझे फिल्म हुई कुछ ओ भाई इतना तेज हो बेटा सांस गुल गई गाने पहले बताओ ये वो बात नहीं अभी नहीं यहाँ पर फिल्म हो रही है अभी भी फिल्म हो रही है पहले बता पहले राउंड टू किसने जीता अरे बात नहीं 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 शायद भाई क्या अरे बाद में बताएंगे सबर रखो भाई गाना बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम गेस द सॉन्ग बहुत प्यार करते आगे खुदा की कसम लंबरगिनी चलाई जाने हो सानू ही जुटा ले लो आगे आगे तेरे पीछे पीछे जाने गुड गुड मेरी महबूब कयामत होगी मेरे महबूब कयामत होगी यार देखिए आवाज सुनो यार मेरी महबूब कयामत कोई बात नहीं जरा आप शर्मिंदगी मत फील कीजिए ओ भाई साहब परफेक्ट परफेक्ट यहाँ पर हमने खत्म किया है हमारा ये जो भी था माज़ा विद मुर्तज़ा तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएगा हमें मोटिवेट प्लीज हाँ तो हम पागल हैं नीचे बोलने की जरूरत नहीं है ऐसा है ठीक है भाई हम खुद ही बोल रहे हैं हम पागल हैं नीचे कमेंट कर दे कमेंट करके नहीं बताना देखो देखो तो हम पागल हैं नीचे बोलने की जरूरत नहीं है ऐसा है ठीक है तो ये तब यार बहुत गालियां पड़ी थी कमेंट्स में पता नहीं था कश्मीर में तब यूट्यूब नया नया था मतलब अभी तो चलो हर घर में एक यूट्यूबर लेकिन तब वो कुछ नया सा लगता था ये क्या कर रहे हैं और ऊपर से क्रिंज हरकतें हमारी तो नीचे बहुत गालियां पड़ती थी हमें कमेंट्स में तो इसलिए हम खुद ही बोल रहे हैं कि प्लीज नहीं बोलना तो फाइनली मेरे दोस्तों रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है हम देखा कि किसने जीता दोनों ने जीता है बहरहाल लेकिन एक सवाल की वजह से हमारे जो मुइन है ये आगे निकल गए और ये हैम्पर इन्होंने जीत लिया शायद यार गजब भी जीती है अब हम करण जौहर तो नहीं है जो इनको मर्सिडीज गिफ्ट करे तो आज हमारा जंक बास्केट जो कि मुइन को मिला है हमारी तरफ से मुइन भाई जीत गए क्या बात है सर पधारी अभी होता तो खुश हो जाता यार अगर मुइन होता उसको बड़ा मजा आता यार वो ट्यूशन गया होगा कोई बात उसको बाद में दिखा देंगे हम लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल नहीं तो कोई जोक सुनाओ जोक सुनाओ कोई जोक क्यों भाई जोक सुना याद ही नहीं है कुछ तो इन नालायकों को कुछ याद नहीं हम कोई बात नहीं हाँ बिल्कुल याद है बताओ क्यों नहीं याद बताओ लंबरगिनी चलाई जाने ओ तेरे पीछे पीछे क्या बात है सर बहुत प्यारी आवाज है जरूर पियेंगे हम दिमाग को ठंडा हमारा दिमाग क्या कर रहे उसमें कुछ था नहीं जूस बचपन से ही कलाकार थे माज़ा विद मुर्तज़ा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद मिलते हैं बहुत जल्द कल ही मिलेंगे अब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं बहुत जल्द कल ही मिलेंगे दबा के लाइक ठोको अल्लाह हाफिज गुड बाय सब्सक्राइब आवर चैनल डू शेयर विद ऑल इतना फ्लॉप शो था है दूसरा एपिसोड इसका कभी आया नहीं लेकिन अभी थोड़ा बहुत लेवल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत बढ़ गई है लेवल तो अगर आप चाहते हैं ये शो हम कंटिन्यू करें तो इसका दूसरा एपिसोड आएगा बराबर 5 साल बाद तो कंटिन्यू करेंगे इसको शायद भाई क्या ख्याल है आपका बिल्कुल बिल्कुल और मैं सोच रहा हूं यार रिएक्शन के लिए अलग चैनल बनाया जाए यस बड़ा कैजुअल हां सही में बता रहा हूं कसम से मतलब मैं भी सोच रहा हूं ऐसा कब सोचा आपने कल डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली हम दोनों एक सॉरी हम दोनों डिस्कस कर रहे थे लेकिन थोड़ा बहुत बंदा चलो कूल कब बोल रहा था तो गाइस हम सोच रहे थे कि एक नई चैनल बनाई जाए जिसमें हम एक तो रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस भी पेंडिंग है मतलब हमने इतनी क्रिंज हरकतें की है ना मतलब जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था नया नया 4-5 साल पहले क्रिंज और क्रेजी भी क्रिंज क्रेजी हरकतें मतलब इतनी
पागल हरकत की हमने, शायद के तीन गाने हैं, आपको पता नहीं होगा ये रैपर भी था एक टाइम का, तीन अपने अपने ओरिजिनल गाने हैं इसके जो मैंने प्राइवेट कर रखे हैं यूट्यूब पे, तो उस पर रिएक्शन देंगे हम, और मेरे व्लॉग्स नहीं देंगे देंगे और मेरे पुराने व्लॉग्स और बहुत सारी हरकतें, तो हम सोच रहे उसके लिए एक नई चैनल बनाया जाए और BTS वगैरह और छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स उस पर डाला करेंगे हम, जो हम मेन चैनल पर नहीं डाल पाते तो वो वाला कंटेंट हम उस पर डालेंगे, बिहाइंड द सीन्स या छोटे छोटे व्लॉग्स या रिएक्शंस या कुछ भी। तो अगर आप चाहते हैं हमारा एक चैनल बनाए तो कमेंट करके बताए, तो इंशाल्लाह नई चैनल बनाएंगे हम। यस तो यस उस पर भी कंटेंट आएगा रोज। तो यस बस ये था हमारा आज का रिएक्शन वीडियो, अगर आपको पसंद आया व्हाट्स द रीजन गिव अ लाइक, वी विल सी यू सम अदर डे, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय, हमारे 200 के होने वाले हैं, प्लीज जल्दी से करा दो, फिर एक मस्त गिव अवे प्लान कर रहा हूं मैं, कसम से दबा के। क्या बात है सर, गाइस सुन रहे हो ना, सब्सक्राइब ठोको, सब्सक्राइब कल ही मिलेंगे।